तो दोस्तों देख लीजिएगा, कैंची में जो धार है हमारा खत्म हो गया है और मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि जिसमें आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा और फ्री में आपकी कैंची में धार हो जाएगा। तो देख लीजिए मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए ऐसे जब दबा रहा हूँ तो देख लीजिए बराबर कट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए छूट गया, बीच में कट गया, देख लीजिए कपड़ा जो है देख लीजिए यहाँ पे कट गया, बीच में छूट गया। और यहाँ से देख लीजिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए एक एक फुचरा इस तरीके से छूट जाता है। और यहाँ पे जब बीचों बीच में ऐसे करके ऐसे कटिंग करते हैं ऐसे, तो देखिए देख लीजिए बीच में कट गया और छूट गया। तो इस तरीके से देख लीजिए कट, तो इसमें धार नहीं है तो कटता है और कहीं छूट जाता है, देख लीजिए इसमें धार कुछ भी नहीं है। और इसी तरीके से आप इस कैंची को भी धार लगा सकते हैं। और यहाँ पे तो सबसे मेन ट्रिक मैं बताने वाला हूँ कि अगर ये काली वाली कैंची है तो आप देख लीजिएगा इस तरीके से आप खरीद कर अगर लाते हैं, देख लीजिए ये काली वाली कैंची, तो इसमें धार लगाने का ट्रिक देख लीजिए बताया हुआ है। यहाँ पे पत्थर के ऊपर रगड़ करके आप धार को लगा सकते हैं हाथ से, देख लीजिए कहीं आपको लगवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ लोग इस तरीके का पत्थर जो है इसी का यूज करते हैं जो इसमें छपा हुआ है, यही पत्थर, ये टूट गया पत्थर, तो इससे आप धार को लगा सकते हैं। मगर अगर ये चीज नहीं है आपके पास तो दोस्तों आप कैसे लगाएंगे धार, देख लीजिए हमारे पास एक ये देख सिलबट्टा है जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो आपके घर पे होगा जरूर क्योंकि इससे मसाला लोग पीसते हैं, चटनी वगैरह पीसते हैं, तो ये चीज तो घर पे होगा। अगर ये चीज है तो इससे भी आप धार लगा सकते हैं। तो आज मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप इससे धार लगाइएगा, इस पत्थर से धार लगाइए, ये वाला पत्थर अगर नहीं मिला आपको तो ये वाले पत्थर से धार लगाइए। अगर ये चीज है तो ठीक है, सिल है तो ठीक है, बट्टा है तो ठीक है, मतलब कोई भी चीज हो इससे आप पत्थर बढ़िया है जिससे धार लगा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैं धार किस तरीके से लगा रहा हूँ कैंची में, और धार लगाने के बाद इसी कपड़े को अच्छी तरीके से काट के मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ से, देख लीजिए कभी भी अगर धार लगाना है तो ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए ये जो धार है इस तरीके से क्रॉस, और यहाँ पे इस तरीके से आपको सेट करना होगा, यहाँ से देख लीजिए इस तरीके से सेट करना है, और एक उंगली जो है यहाँ पे आप लगा करके और इस तरीके से आपको इस तरीके से ऐसे धार को लगाना है। और यहाँ पे देखिए ये पत्थर कहीं कहीं खड्ढा है, कहीं कहीं ऊंचा है, ये चीज देख लीजिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बराबर है, यहाँ से यहाँ तक, और ये बीच में खड्ढा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक बराबर है। अगर आपका जो सिल वाला बट्टा है ये अगर बराबर है तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लगाना होगा आपको, देख लीजिए ऐसे धार रख के और इस तरीके से आप रगड़ करके अपने कैंची में धार लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ धार को लगा करके, देख लीजिए हल्का हल्का लग रहा है, देख लीजिए। और इसमें अक्सर करके आप इसी पे धार लगा सकते हैं और इस पे नहीं लगाना है क्योंकि ये काली वाली कैंची है, इस पे लगा देंगे तो धार खराब हो जाएगा। अगर इस पे किस वाली कैंची पे लगता है देख लीजिए, अगर पीतल की कैंची है तो इस तरफ भी लगता है और इस तरफ भी लगता है, मगर अगर इस तरीके की काली कैंची है तो इस पे मत लगाइएगा नहीं तो कैंची खराब हो जाएगा। आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए कंपनी बता दिया है यहाँ पे कि अगर इस तरीके से लगाते हैं तो ये कैंची का जो पल्ला है उड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो इस तरीके से नहीं लगाना है, इस तरीके से लगाना जैसे इसमें बताया गया है। तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ से इस तरीके से लगा रहे हैं अभी, और लगाने के बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख लीजिए ये वाला हो गया है, अब जब ये कैंची में देख लीजिए धार लग गया है, इसमें देख लीजिए किस तरीके से चमक आ रहा है इधर इधर, और जब लग जाएगा तो आप इस तरीके से हाथ को ऐसे फेरेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि जो धार है ये बन चुका है। अब इस साइड में हम करते हैं, इस साइड में, तो इस साइड में भी इसी तरीके से सेम करना है। अभी देख लीजिए इसमें धार नहीं है तो उतना चमक नहीं है इसमें, अभी और चमक आ जाएगा, देख लीजिए आराम आराम से करना है, मेरे हाथ में लग जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो है, अब नोक में भी लगा दे, यहाँ पे लगाने से धार लग गया पत्थर पे, देखिए यहाँ पे इतना चिकना हो गया है, देख लीजिए लगाते लगाते, तो देख लीजिए अब इसमें भी धार लग गया है, और इधर से चेक कर रहे हैं तो ये धार लग चुका है। और जब भी इस तरीके से आप धार लगा लीजिएगा तो इसमें दबा के अभी नहीं कटिंग करना है, आपको एक छोटा सा ऐसे पेपर ले लेना है इस तरीके से, और पेपर को लेने के बाद में और यहाँ से इस तरीके से आपको कट कर लेना है, देख लीजिए पहले, और पेपर जब कट कर लेते हैं तो जो इसमें धार में कोई दिक्कत होता है तो सब सेट हो जाता है। यहाँ से आप देख लीजिए, और इस तरीके से पेपर कट करने के बाद फिर आप दोबारा कपड़ा कटिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको उसी कपड़ा को कटिंग करके दिखा रहा हूँ जो कपड़े पे कटिंग नहीं हो रहा था, देख लीजिए यही कटिंग हो रहा था, छूट जाता था, और यहाँ से मैं भी दिखा रहा हूँ, देख लीजिए अब कितने बढ़िया से कटिंग हो रहा है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें,
देख लीजिए। अब इसी तरीके से आप अपने घर पे दोस्तों अपने कैंची में धार लगा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।